हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषु के टिप्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे किसी भी बीमारी के का कारण होता है वात पित्त या कफ, जिसमें कफ का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा हमको परेशान करता है। हमारे कफ के फॉर्मेशन या पित्त के कारण हमको सबसे ज़्यादा बदन दर्द, सिर दर्द, जुकाम, खांसी, ठंड लगना, ये सब लगा रहता है। पूरे ठंड चाहे गर्मी, आपको ये चीज़ें परेशान करती हैं। कुछ लोगों को हमेशा ही कफ की प्रॉब्लम रहती है। आज जो मैं आपको एक काढ़ा बनाने जा रही हूँ, वो आपको कफ से पूरी तरह से निजात दिलाएगा और इसके रेगुलर यूज से आप अपने आप को 100% स्वस्थ पाएंगे। आइए तो देखते हैं मैं इसको कैसे बनाया है। आइए तो देखते हैं इस काढ़े को बनाने के लिए हमें किस किस मसालों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने 2 बड़ी इलायची लिया है, 10 से 12 हमने छोटी इलायचियाँ लिया है, 1 बड़ा हमने जायफल लिया है जिसको आगे अभी हम क्रश कर लेंगे, 1 बड़ा चम्मच हमने काली मिर्च ली है, 1 छोटा चम्मच हमने चक्रफूल लिया है। ये पूरा जो फूल के शेप में होता है, मुझे मार्केट में ये इस तरह से टूटा हुआ मिला। 2 बड़ा चम्मच हम दालचीनी लेंगे, 1 बड़ी चम्मच हम इसमें लौंग लेंगे। साथ में हम जब चाय बनाएंगे या काढ़ा बनाएंगे, उसके लिए हम ये तुलसी की पत्ती लेंगे और ये क्रश किया हुआ 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक लिया है। हम इसमें लेंगे गुड़, चीनी की जगह हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप बहुत आराम से इसमें गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ ऐसे भी ठंड में बहुत फ़ायदेमंद होता है। गुड़ की भी जो तासीर होती है वो कफ को फाड़ने वाली होती है, मतलब खांसी जुकाम में ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चीनी की जगह आप इसको कोशिश करिए गुड़ डालिए। और आप चाहो, जिसको शुगर है वो ये गुड़ नहीं खा सकता, तो वो अपने चाय में इस नमक का यूज़ करेगा। आइए तो इन सबको हल्का सा, इन सारे मसालों को हल्का सा हम कढ़ाई में भून के इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे, जो कि हम मिक्सी में पीस के बनाएंगे। तो देखिए, ये हमने फाइन पाउडर बनाया। आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले 1 कप पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। बॉयल होने की प्रोसेस स्टार्ट होगी, साथ ही साथ हम उसमें ये क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे जो कि 1 बड़ा चम्मच है, ये तुलसी डाल देंगे जो कि 8 से 10 पत्तियाँ हैं, और 1 बड़ा टुकड़ा हम इसमें गुड़ डाल देंगे। चीनी की जगह गुड़ ही यूज़ कीजिए। और जो हमने ये मसाला पीसा है, इस मसाले का ये 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से ऐसे ऐसे मिक्स कर देंगे कि गुड़ हमारा इसी में और जितने भी मसाले हमने डाले हैं सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको अच्छे से हमें 5 से 6 खोल तक खोलाना है, जिससे जो भी चीज़ हम लोगों ने डाला है उन सब का अर्क इसमें अच्छे से आ जाए। तो देखा आपने कि कैसे आपके थोड़े से परिश्रम ने ये आपको ठंड, कफ और बदन दर्द से हमेशा के लिए निजात दिलाएगा और पूरी ठंडियाँ आपकी बहुत आराम से बीतेंगी विदाउट एनी सर्दी, जुकाम एंड खांसी बुखार के। तो मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसी बनी, मैं आपको फिर बताती हूँ। वाओ, बहुत टेस्टी बनी है, इतनी गर्मा गर्म बहुत अच्छी बनी है। तो आज आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा, ये टिप कैसा लगा, आपको कितना फ़ायदेमंद रहा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।